रूस और अमेरिका के बीच भारत के साथ डील करने की मची होड़। रूस ने दिया भारत को तगड़ा ऑफर, अब हिंदुस्तान की होने वाली है चांदी। भारत के दुश्मनों की अब खड़ी होगी खाट, जंग के मैदान में हो जाएंगे सपाट। भारत की सेना अब होगी महाबलशाली, दुश्मन की छाती पर चढ़कर करेगी वार। दोस्तों, एक तरफ अमेरिका भारत में रूस को रिप्लेस करने में लगा है, वहीं दूसरी ओर रूस अपने पांव को भारत में और मजबूत करने में जुटा है। इसी कड़ी में रूस ने भारत को एक बड़ा और तगड़ा ऑफर दिया है। रूस के इस ऑफर के बाद चीन की तो मानो नींद ही उड़ गई है, उसे अब जंग में अपनी पराजय दिखाई देने लगी है। दोस्तों, यहां सवाल उठता है कि आखिर रूस ने भारत को क्या प्रस्ताव दिया है? क्या रूस ने भारत को पांचवी पीढ़ी के लड़ाकू विमान देने की बात कही है, या उसे हाइपरसोनिक मिसाइल की तकनीक देने का ऐलान कर दिया है, या फिर S-400 के बाद S-500 की घातक खेप रूस ने भारत को देने की तैयारी की है, या फिर अपनी किंजल मिसाइल अब रूस भारत के साथ मिलकर बनाने जा रहा है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि रक्षा क्षेत्र में रूस भारत का एक अहम सहयोगी है। भारत के ज्यादातर हथियार रूस निर्मित हैं। भारत की रक्षा तकनीक का आधार ही रूस है, लेकिन अब भारत इस क्षेत्र में खुद अपने पैरों पर खड़ा हो रहा है, अपनी ताकत दुनिया को दिखा रहा है। इसी कड़ी में भारत पांचवी पीढ़ी के लड़ाकू विमान से लेकर हाइपरसोनिक मिसाइल तक बना रहा है, जिसके बाद दुनिया के बड़े बड़े देश उसके साथ रक्षा क्षेत्र में साझेदार बनने को तैयार हो गए हैं। बेंगलुरु में एयर शो में पीएम मोदी ने इसका ऐलान भी किया था। दोस्तों, पीएम मोदी का ऐलान ये बताने के लिए काफी है कि भारत आज केवल दुनिया के लिए हथियारों का सबसे बड़ा खरीदार ही नहीं, बल्कि अपनी काबिलियत से वो आज उस श्रेणी में शुमार हो गया है जहां से उसकी उड़ान नई ऊंचाइयों पर पहुंचने वाली है। शायद इसीलिए अमेरिका भारत को अपने घातक हथियारों का ऑफर दे रहा है। अपने सबसे खतरनाक F-35 फाइटर जेट्स भी वो भारतीय सेना में शामिल कराने की जुगत में लगा हुआ है, लेकिन भारत ने अभी इसे लेकर अपनी तस्वीर साफ नहीं की है। दोस्तों, दुनिया जानती है कि अमेरिका के रक्षा उपकरण काफी महंगे होते हैं और अमेरिका अपनी शर्तों पर किसी भी देश को अपने उपकरण बेचता है, लेकिन भारत के साथ डील करने के लिए अमेरिका कुछ भी करने को तैयार है। यानी मोदी ने उसकी भी अकड़ ढीली कर दी है। अब अमेरिका भी अपने रक्षा उपकरणों की डील को लेकर भारत के आगे झुक गया है, तभी तो उसने भारत में एफ श्रेणी के विमान बनाने का ऑफर दे डाला है। दोस्तों, अमेरिका के इसी बढ़ते कदम को देखते हुए रूस भी चौकन्ना हो गया है और उसने भी भारत के साथ बड़ी डील करने की बात कही है। दोस्तों, ये डील ऐसी है कि अगर भारत इस पर अपनी रजामंदी दे देता है तो फिर जंग में चीन की बैंड बजना तय है। दोस्तों, सवाल उठता है कि रूस भारत को अपना कौन सा हथियार देना चाहता है? क्या रूस इसे भारत के साथ मिलकर बनाना चाहता है, या केवल इसका सौदा करना चाहता है? रूस का यह हथियार हमारी सेना की ताकत किस तरह बढ़ाएगा, किस तरह दुश्मन का काल साबित होगा, ये जमीन आसमान या फिर पानी कहां पर दुश्मन पर कहर बरपाएगा? रूस के इस प्रस्ताव पर आखिर भारत का क्या कहना है? क्या भारत रूस के साथ इस डील पर मोहर लगाने को तैयार है, या फिर अभी इसमें वक्त लगने वाला है? क्या रूस जो प्रस्ताव भारत को दे रहा है अमेरिका की रक्षा पंक्ति में, उससे बेहतर हथियार मौजूद है? आपके इन सवालों के जवाब अब मैं देने जा रहा हूँ। भारत के पास होगा दुनिया का सबसे शक्तिशाली टैंक। रूस ने दिया भारत को T-14 अर्माता की टेक्नोलॉजी देने का ऑफर। दोस्तों, रूस ने भारत के साथ मिलकर दुनिया के सबसे शक्तिशाली टैंक को बनाने की इच्छा जाहिर की है। रूस ने कहा है कि वो भारत के साथ अपने अत्याधुनिक टैंक T-14 अर्माता की टेक्नोलॉजी साझा करने को भी राजी है। दोस्तों, आपको इस टैंक की शक्ति के बारे में बताऊंगा, ये भी बताऊंगा कि इसके भारतीय सेना में शामिल हो जाने से भारत की ताकत में कितना इजाफा होगा, लेकिन उससे पहले आपको भारतीय सेना की शान बढ़ा रहे टैंकों की जानकारी दे देता हूँ। आपको ये बता देता हूँ हमारी थल सेना के पास फिलहाल कौन कौन से टैंक है। इंडियन आर्मी की इन तोपों से भागते हैं दुश्मन। भारतीय तोपों के गोले दुश्मनों के लिए हैं काल। दोस्तों, तोपों की कई कैटेगरी होती हैं। आम भाषा में टैंक यानी तोप उसे कहते हैं जो गोला दागता है, इसीलिए श्रेणी में आने वाले सभी तोप इस सूची में शामिल हैं। आपको अपने देश के इन तोपों की ताकत और रेंज जानकर बेहद गर्व महसूस होगा। ऐसे 12 हथियार हैं जिन्हें अर्जुन, भीष्म, अजय, विजयंत आदि नामों से बुलाया जाता है। ये जब सीमा पर या जंग के मैदान में गोले दागते हैं तो कई किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन को मौत आती साफ दिखती है। आपको भारत के इन योद्धाओं के बारे में क्रमवार बताता हूं। पहला, अर्जुन टैंक। दोस्तों, भारतीय सेना के पास साल 2004 से अब तक अर्जुन टैंक सर्विस दे रहा है। ये देश की सेना का मुख्य युद्धक टैंक है। देश में इन 120 मिलीमीटर बैरल वाले टैंकों की संख्या 141 है। इसके दो वेरिएंट्स हैं, पहला MK1 और MK1A। MK1 आकार में MK1A से थोड़ा छोटा है। दोनों ही टैंक्स में 4 क्रू बैठते हैं। दोनों टैंक 1 मिनट में 6 से 8 राउंड फायर कर सकते हैं। एक टैंक में 42 गोले स्टोर किए जा सकते हैं। अर्जुन टैंक की रेंज 450 किलोमीटर है। इस टैंक ने कई अंतर्राष्ट्रीय वॉर गेम्स में भाग लिया है। दूसरा, T-90 भीष्म टैंक। दोस्तों, T-90 टैंक रूस का मुख्य युद्धक टैंक है, जिसे भारत ने अपने हिसाब से बदलकर इसका नाम भीष्म रख दिया है।
इसके 2078 टैंक सेवा में हैं। इस टैंक में 3 लोग ही बैठते हैं। ये 125 किलोमीटर स्मूथ बोर गन है। इस टैंक पर 43 गोले स्टोर किए जा सकते हैं। ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल सकता है। इसकी ऑपरेशनल रेंज 550 किलोमीटर है। इस टैंक के रूसी वर्जन का उपयोग कई देशों में किया जा रहा है। तीसरा T-72 अजय टैंक। दोस्तों, ये दुनिया के कई सारे देशों में उपयोग होता है। जिन देशों में टैंक उपयोग में लाया जा रहा है उनकी कुल संख्या करीब 25,000 है। इसकी ऑपरेशनल रेंज 460 किलोमीटर है। इसमें भी 125 किलोमीटर स्मूथ बोर गन लगी हुई है। इसकी अधिकतम गति सतह और वेरिएंट के हिसाब से 60 से 75 किलोमीटर प्रति घंटा है। चौथा K9 वज्र टी टैंक। दोस्तों, 155 किलोमीटर की सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी है K9 वज्र टी टैंक। ऐसे 100 तोप भारतीय सेना में तैनात हैं। इसके अलावा 200 तोप और आ सकती हैं। असल में इसे दक्षिण कोरिया बनाता है, लेकिन भारत में इसे देश की परिस्थितियों के हिसाब से बदल दिया गया है। ये काम स्वदेशी कंपनी ही कर रही है। इसके गोले की रेंज 18 से 54 किलोमीटर तक है, मतलब इतनी दूर बैठा दुश्मन बच नहीं सकता। इसका उपयोग अभी चीन के साथ हुए संघर्ष के दौरान भी किया गया था। इसमें 48 राउंड गोले स्टोर होते हैं। ऑपरेशनल रेंज 360 किलोमीटर और अधिकतम गति 67 किलोमीटर प्रति घंटा है। पांचवा धनुष टैंक। दोस्तों, होविट्ज़र धनुष को साल 2019 में भारतीय सेना में शामिल किया गया है। ये बोफोर्स तोप का स्वदेशी वर्जन है। इसे चलाने के लिए 6 से 8 क्रू की जरूरत होती है। इसके गोले की रेंज 38 किलोमीटर है। बर्स्ट मोड में 15 सेकंड में 3 राउंड दागता है। इंटेंस मोड में 3 मिनट में 15 राउंड और सस्टेन मोड में 60 मिनट में 60 राउंड, यानी जरूरत के हिसाब से दुश्मन के छक्के छुड़ा सकता है ये। छठा M777 टैंक। दोस्तों, 155 mm लाइट टोर होविट्ज़र अमेरिका से भारत मंगाया गया है। इस होविट्ज़र ने अफगानिस्तान युद्ध, इराक वॉर, सीरिया वॉर समेत कई युद्धों में अपना बेहतरीन प्रदर्शन दिखाया। इसे चलाने के लिए आठ क्रू की जरूरत होती है। ये 1 मिनट में 7 गोले दाग सकता है। इसके गोले की रेंज 24 से 40 किलोमीटर है। इसका गोला करीब 1 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से चलता है। सातवां हॉबिट्स FH-77A/B बोफोर्स तोपें। दोस्तों, भारत के पास कुल 410 बोफोर्स तोप हैं, जिन्हें 2035 तक धनुष होविट्ज़र से बदल दिया जाएगा। इस तोप का गोला 24 किलोमीटर तक जाता है। ये 9 सेकंड में 4 राउंड फायर करता है। करगिल युद्ध के समय इसी तोप के गोलों ने हिमालय की चोटियों पर बैठे पाकिस्तानी दुश्मनों को मार गिराया था। अब भारत के पास इससे बेहतर धनुष होविट्ज़र है। M-46 शारंग टैंक। ये एक फील्ड गन है। इसके 2 वेरिएंट्स हैं, 133 मिलीमीटर और 155 मिलीमीटर। भारत के पास ऐसे 1100 फील्ड गन्स हैं। ये 3 रेट में फायर करता है। आमतौर पर 1 मिनट में 6 राउंड, बस मोड पर 8 और सस्टेन मोड पर 5 राउंड। इसका गोला करीब 1 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दुश्मन की ओर बढ़ता है। इसके गोले की रेंज 27.5 किलोमीटर से लेकर 38 किलोमीटर तक है। नौवा OFB इंडियन फील्ड गन। भारतीय सेना के पास 1700 ऐसी तोपें हैं। इसके गोले की गति 475 मीटर प्रति सेकंड है। इसका कम वजन इसे कहीं भी ले जाने में मदद करता है। पूरी तरह से देश में बने इस तोप ने कई लड़ाइयों में मदद की है। दसवा विजेंद्र टैंक। भारत में ऐसे 200 तोप हैं। इसे LOC के पास तैनात किया गया है। इस टैंक ने 1965 और 1971 के युद्ध में पाकिस्तानी सेना के छक्के छुड़ा दिए थे। इसे 4 लोग चलाते हैं। इसकी ऑपरेशनल रेंज 530 किलोमीटर है। टैंक की अधिकतम गति 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। 11वां T-55 MBT टैंक। भारतीय सेना के पास ऐसे करीब 700 टैंक्स हैं। इसकी ऑपरेशनल रेंज 325 किलोमीटर है। अधिकतम गति 51 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसे 4 लोग मिलकर चलाते हैं। पाकिस्तान के साथ नैनाकोट के युद्ध में इस टैंक ने पाक सेना की हालत खराब कर दी थी। 1971 में बसंतर के युद्ध में भी पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए थे। ये टैंक 40 से ज्यादा युद्धों में पूरी दुनिया में उपयोग हो चुका है। दोस्तों, भारतीय सेना के पास मौजूद टैंकों की ताकत से अब आप वाकिफ हो गए होंगे, लेकिन अब भारत को रूस ने जिस टैंक का ऑफर दिया है उसके सेना में शामिल हो जाने से सेना की ताकत में कई गुना इजाफा हो जाएगा। भारतीय सेना में शामिल होगा रूस का सबसे घातक टैंक। रूस के ऐलान से पाकिस्तान और चीन की उड़ी नींद। दोस्तों, T-14 आर्मटा दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों में से एक टैंक है। रूस की इच्छा भारत के साथ भविष्य की मुख्य युद्धक टैंकों के संयुक्त विकास में हिस्सा लेने की है। समाचार एजेंसी रशियन फेडरल सर्विस ऑफ मिलिट्री टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन के डिप्टी डायरेक्टर व्लादिमीर ड्रोजझोव के हवाले से बताया गया है कि रूसी पक्ष आधुनिक रूसी प्रौद्योगिकी उपयोग के साथ भारतीय मुख्य युद्धक टैंक के संयुक्त विकास में भाग लेने की योजना बना रहा है। बेंगलुरु में एयरो इंडिया 2023 एक्सपो के दौरान ड्रोजझोव ने बताया कि भारत नए टैंक के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय निविदा शुरू करने की योजना बना रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि पिछले कुछ वर्षों में भारत के साथ अर्माटा यूनिवर्सल कॉम्बैट प्लेटफॉर्म पर केंद्रित मुख्य युद्धक टैंक के विकास पर रूस के साथ काम करने पर अक्सर चर्चा की गई है। दोस्तों, सवाल उठता है कि आखिर इस टैंक की खासियत क्या है, क्यों इसे दुनिया का सबसे बेहतरीन टैंक कहा जाता है। दोस्तों, अर्माटा रूस के T-14 हैवी टैंक और T-15 आर्म्ड इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल के लिए एक आधार के रूप में काम करता है। T-14 आर्माटा टैंक को रूसी कंपनी
और लवगोन जावाड ने बनाया है। ये रूस का अब तक का सबसे एडवांस और शक्तिशाली टैंक है। उसे पहली बार मई 2015 में मॉस्को विक्ट्री डे परेड के दौरान सार्वजनिक तौर पर प्रदर्शित किया गया था। आर्मटा की सबसे बड़ी खासियत इसकी मेन गन है। T-14 आर्मटा में ऑटोमेटिक लोडर के साथ 125 mm की 2A82 1M स्मूथबोर कैनन लगाई गई है। इसमें 32 राउंड गोले हमेशा रेडी टू यूज कंडीशन में रखे जा सकते हैं। T-14 आर्मटा की मेन गन 7 से 12 किलोमीटर की रेंज वाली एक नई लेजर गाइडेड मिसाइल भी दाग सकती है। ये टैंक दुश्मन के 152 mm टैंक के गोले को भी झेलने में सक्षम है। दुनिया की दूसरी कोई भी टैंक T-14 आर्मटा जितनी सुरक्षित नहीं है। इस टैंक में अमेरिका के मुख्य युद्धक टैंक अब्राम्स टैंक की तुलना में 2 गुना मोटा कवच लगा हुआ है। T-14 आर्मटा एक बार में 45 राउंड तक लेकर जा सकती है। कुछ रूसी स्रोतों के अनुसार T-14 आर्मटा को भविष्य में 152 mm की नई तोप से लैस भी किया जा सकता है।